हाय दोस्तों नमस्कार। मैं आज एक नई वीडियो के साथ तो मैं हूँ किसान भाई के पास। किसान भाई की बकरियाँ देखेंगे और किसान भाई से रूबरू होंगे। नमस्कार जी भैया। नमस्कार जी। क्या नाम भैया आपका? हनुमान जी। हनुमान जी कहाँ से आप? पवाल से। पवाल कहाँ पड़ता है? नागौर में। हनुमान जी आज की वीडियो में क्या दिखाओगे आप? बकरियाँ दिखाओगे। ये बकरी जो आपने पकड़ी है कौन सी नस्ल की है? सिरोही नस्ल की बकरी है। तो ये हनुमान जी अभी कितने दांत पे होगी? ये अभी 6 दांत पे। और कितने वजन पे होगी? अभी वजन है 60-70 किलो वजन। तो ये प्रेग्नेंट है या बच्चा दिया है? अभी प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है। तो जैसे कि हनुमान जी से हमारा कोई भाई वीडियो देख के ये बकरी लेना चाहेगा तो कितने रुपए की दोगे आप? 50-60 हज़ार। 50-60 हज़ार रुपये की। तो बकरियां तो आपके पास एक से बढ़कर एक, तो बकरियों की जो क्वांटिटी इनके पास बकरियां एक से बढ़कर एक है। तो हनुमान जी और बकरियां दिखाइए आप। इनके पास क्वालिटी की बकरियां एक से बढ़कर एक बकरियां हैं हनुमान जी के पास, और एक से बढ़कर एक बकरियां हैं। ये कौन सी नस्ल की है? सिरोही नस्ल की है। तो ये कितने वजन पे होगी? ये 40-45। 40-45 किलो वजन होगी। तो अभी प्रेग्नेंट है या बच्चा दिया है? अभी प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट है। तो ये दोगे तो कितने रुपए में दोगे? 30-35 हज़ार रुपए की। थन भी अच्छे हैं। और बकरियां आपके पास? हाँ और बकरियां दिखाइए। ये सिरोही नस्ल की। ये कितने रुपए में दोगे यदि कोई भाई लेगा तो? ये 30 हज़ार। 30 हज़ार रुपए की। और ये बकरी? ये भी 30 की है। 30। ये तोतापुरी बकरी है। ये प्रेग्नेंट है या बच्चा दिया है इसने? अभी बच्चा दिया है। तो यदि कोई भाई लेना चाहेगा तो ये कैसे दोगे? 20 हज़ार रुपये की। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये बकरियों को आप जंगल में ही चलाते हो या फिर घर पे भी चलाते हो? जंगल में चलाते हैं, घर का भी चलाते हैं, चारा खिलाते हैं। तो जंगल में क्या क्या चलाते हो इनको? अभी पत्ती खाती है, दोपड़ा। तो मुझे ये बताओ कि तो जंगल में बकरी ग्रोथ ज़्यादा करती है या फिर घर पे ग्रोथ ज़्यादा करती है? जंगल में ज़्यादा ग्रोथ करती है। तो आपकी ये भी बात सही है, इन्होंने बोला जंगल में बकरी ज़्यादा ग्रोथ करती है। तो बकरियाँ दिखाइए, ये बकरी है, ये बकरी दिखाइए सही तरीके से पकड़ के। ये कितने वजन पे है अभी बकरी? 40-45 किलो। तो ये जैसे कोई भाई लेना चाहेगा तो कितने रुपए की दोगे? 30 हज़ार रुपये की। रेट इनका अच्छा है। और ये बकरी किट्स दिखाइए जैसे छोटा। हाँ दिखाइए थोड़ा इधर ला के। इनके पास बकरियां एक से बढ़कर एक बकरियां और अच्छे अच्छे ये बच्चा है और ये इसकी मदर है। तो हनुमान भाई जैसे ये बच्चा ये बकरी को लेना चाहेगा तो कितने रुपए की दोगे? 22 हज़ार रुपए की दोगे? नहीं, जैसे मैं हनुमान जी एक पूछना चाहूँगा कि जैसे बकरी दोगे तो बच्चा फ्री होगा ना साथ? बकरी के साथ बच्चा फ्री। तो जो आपकी इनकी जो रेट है वो रेट में कुछ कमती बेसी करोगे आप जैसे मांग रहे हो इसमें? कमती बेसी तो हो जाएगी। ये और बकरी है जो, ये और बताइए आप। ये अभी प्रेग्नेंट बकरी है। तो हनुमान भाई ये कितने वजन पे होगी? ये होगी 20-25 किलो। हाँ कम वजन है। और ये देखो एक्चुअली में ये वो बात है कि किसान भाई ये नर्वस तो होते हैं। एक्यूरेट इनको क्या वज़न का मालूम है, क्या वज़न किया था इन्होंने, वज़न का क्या मालूम रहेगा। तो ये जो बता रहे हैं वो बड़ी अच्छी बकरियाँ और बकरियाँ जैसे दो बच्चे अंदर बैठे हैं। ये बच्चे दिखाइए। ये पकड़ो, आराम से पकड़ो ना बकरी को। ये मेल है या फीमेल है? ये बकरे हैं या बकरियाँ हैं? एक बकरी है बकरा। जैसे ये किड्स कोई बच्चा लेना चाहेगा तो कितने का दोगे हनुमान भाई? ये 12 हज़ार रुपये। और वो मेल कोई लेना चाहेगा तो? ये बकरी आराम से खड़ी करो, इसको पकड़ो ना आराम से, आराम से दिखाइए, इधर घुमाओ आराम से। हनुमान जी ये बकरी कितने वजन पे होगी अभी? 35-30। नहीं, जैसे कोई भाई इसको लेना चाहेगा तो ये कितने की दोगे आप? 20-22 हज़ार रुपये की। तो इनकी बकरियां, इनके पास एक से बढ़कर एक बकरियां हैं और इनकी बकरियां भी देखते जाते हैं। और यदि किसी भाई की रिक्वायरमेंट रहेगी तो इनका नंबर रहेगा स्क्रीन पे, आप इनसे बात भी कर सकते हो और फ़ोन भी कर सकते हो। और इनका सबसे बड़ा मोटो लगा कि बकरी के साथ बच्चा फ्री। ये क्या है? ये पार्ट है। ये कितने महीने की है? ये 12 महीने। ये कोई भाई लेना चाहेगा तो कितने रुपये की दोगे? 15,000। थोड़ा जोर से बोलो ना। 15,000 रुपए की। और वो बकरी दिखाइए, दिखाइए
दिखाओ ना, आराम से पकड़ो ना बकरियों का, आराम इसको पकड़िए, इसको पकड़िए, लगो वो भाग लगो चुको। छोड़ो ऊपर खड़ा जाओ। तो ये इसके साथ ये फ्री है। हाँ जी ओके।